सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में फिर से एक नई वीडियो पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसा वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके मैं एक साल से अपनी बैक में उसी वर्कआउट को फॉलो करके एक तगड़ा सा बैक मेरी बनाया है। तो आप सभी के साथ वो टिप्स मैंने शेयर कर रहा हूँ उसी को फॉलो करके आप भी अपनी वर्कआउट में उसको ऐड कीजिए। अपनी जो भी वर्कआउट की शेड्यूल रहता है बैक की, बैक मसल की, जो भी वर्कआउट की शेड्यूल, उसमें आप उसको ऐड करके देखिए। आपको एक महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगी किस तरह से खतरनाक आपकी बैक बन पाएगी। सो भाई लोग, मैंने अगर 1 साल से उसको यूज़ करके आ रहा हूँ, अगर उससे पहले मेरे को ये चीज़ पता होता तो मेरी बैक में और भी ज़्यादा मैंने चेंज देख, लेकिन मुझे पता नहीं था उस टाइम। तो आज मैं आप सभी के साथ वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिसको मैंने यूज़ करके अपनी बैक को एक तगड़ा सा लुक दे पाया। तो आप सभी ने उसको भी यूज करिए। ये वीडियो उन भाई को लिए हेल्प होगी जो भाई लोग जिम जाते हैं या जो भाई लोग नहीं जाते हैं, दोनों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप अपनी वर्कआउट घर पे करते हो या जिम पे भी करते हो तो आप अपनी वर्कआउट पे उसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एक बेहतरीन बैक वर्कआउट बन सकते हैं। बैक हमारी ऐसा मसल है जो हमारी बॉडी में एक बड़ा मसल से है, तो उसको आपको इसी वर्कआउट में बेहतरीन बना सकते हो। बैक को आप एक तगड़ा लुक दे सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड पे दिया हमारे बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। फ्यूचर पे जब भी फिटनेस के रिलेटेड कोई भी वीडियो मैंने अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह लो, कभी मैं आप सभी को अपनी बैक को दिखाऊंगी तो किस तरह से मैंने अपनी बैक को बनाया है तो आप सभी को भी मैं दिखाने वाला हूँ। अभी अपना टी शर्ट उतारते हैं। अभी सो देख सकते हो आप लोग, सो देख रहे हो आप सब लोग, सो कैसे मैं अपनी बैग को इस तरह से बनाया है। तो मैंने आपको ऐसे बेहतरीन वर्कआउट, सिर्फ एक वर्कआउट, इसमें इसके लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक पुलअप बार पे आप उसकी वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो, अपनी बॉडी में खतरनाक चेंज लेके आ सकते हो। सो ये वर्कआउट मैंने अपने घर पे करके दिखाया है कि ताकि आप सभी को हेल्प हो सके। जो भी भाई जिम जा रहे या नहीं जा रहे उसने घर पर भी ये हेल्प हो सके। ऐसे ही आपको वाइड ग्रिप पकड़ के अपने पुलअप पे 10 या 15 रेपिटेशन 3-4 सेट की लगाना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में आप इसको 2 बार ज़रूर कीजिए ताकि आपकी बैक पे चेंज दिखना आपको बहुत ही जल्दी से जल्द शुरू हो जाएगी। सो भाई लोग, इसको मैंने अपने घर पे करके बताया है क्योंकि आप सभी को हेल्प हो सके। जो भी भाई अपने घर पे वर्कआउट करते हैं, जिम पे तो पुल अप बार होता है जो मशीनों पे लगा होता है, लेकिन आप चाहो तो अपने घर पे जिस तरह मैंने करके दिखाया अपने घर पे एक सेल्फ पे, तो आप चाहो तो वहीं पे भी कर सकते हो। नहीं तो आप किसी भी पार्क पे पुल अप बार, जहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको पुल अप बार मिलेगी उसी में भी आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो भाई लोग, ये था कुछ बैक की वर्कआउट जो आप सभी को बहुत ही हेल्प होगी। एक बार आप उसको ज़रूर अपनी वर्कआउट पे ऐड करके देखिए। जिस तरह से मैंने भी वाइड ग्रिप, इस तरह से वाइड ग्रिप पकड़ा था, जैसे भी जिस भी पुल अप बार पे आप अपनी ग्रिप को पकड़ेंगे तो आपको वाइड ग्रिप पकड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो साइड की लेट्स होता है, यहाँ पे देख सकते हो इसी एरिया पे, वो बहुत ही इफेक्ट डालता है ताकि हमारी बैक ज़्यादा वाइड दिख सके। इसी टाइप यहाँ पे हमारी मसल डेवलप होगी धीरे धीरे करके। जिस तरह से जितना हो सके आप अपनी अकॉर्डिंग वाइड ग्रिप पुल अप लगाइए। इसी वर्कआउट को आपको 10 से 12 रेपिटेशन रखना है, 3 या 4 सेट आप अपनी वर्कआउट में हफ्ते में 2 बार इसको ज़रूर ऐड कीजिए ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगी। जब भी मैंने स्टार्ट कर रही थी पहले, उस टाइम मैंने यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ साल के बाद मुझे भी पता चला, मैंने 1 साल से उसको यूज़ करते आ रहा हूँ और अपनी बैक पे देख सकते हो किस तरह से चेंज लेके आया हूँ। तो इस तरह से बैक पे चेंज भी आप सभी की भी हो जाएगी, बैक एक बेहतरीन बैक बन जाएगी। तो आप ज़रूर इसको, आप जो भी वर्कआउट कीजिए डिफरेंट टाइप की, लेकिन इसको अपनी वर्कआउट में ऐड करना बहुत ज़रूरी है एक खतरनाक बैक की लुक पाने के लिए। सो भाई लोग, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्यूचर पर आप सभी के साथ एक नए नए वीडियो में हर रोज़ लेके आऊँगी।